बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप एक YouTube चैनल चलाते हैं और YouTube चैनल रन कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ की ज़रूरत लाजमी पड़ी होगी। एक तो होता है लोगो, उसके अलावा एक होता है चैनल आर्ट, जिसको बैनर का नाम भी दिया गया है। तो आज की ये वीडियो बैनर आर्ट पर, मतलब चैनल आर्ट पर होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आप चैनल आर्ट बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ऑनलाइन बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह आप ऑनलाइन अपने चैनल के लिए एक बेस्ट, मतलब ज़बरदस्त किस्म का चैनल आर्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए एक वीडियो पर लाइक तो बनता है, लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह हम अपने चैनल के लिए एक अट्रैक्टिव सा चैनल आर्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर और ये दो वेबसाइट मेरे पास ओपन है। पहले की तरह मैंने snapper.com पर वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने आपको थंबनेल बनाकर बताया था और इसके साथ कैनवा पर भी बनाया था। तो यहाँ पर इस पर आपने अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ये वाला जो है टैब मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जो ही क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट जो हैं इस तरह के ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो टेम्पलेट हैं ये फ्री हैं, आपने इनको किस तरह यूज़ करना है किसी एक के ऊपर, जो ही क्लिक करेंगे तो आपके पास टेम्पलेट जो है ओपन होकर आ जाएगा। मैं ये वाला टेम्पलेट जो है चूज़ करने वाला हूँ, तो इस पर क्लिक करते हैं। जो ही क्लिक करेंगे लोडिंग होगी, उसके बाद आपके पास ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये टेम्पलेट मेरे पास ओपन हो चुका है। अब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, इस एरिया के अंदर अंदर हम अपना जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। किसके लिए? ये जस्ट होगा हमारे लिए चैनल आर्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये टोटल चैनल आर्ट इस तरह का है। ठीक है, अब ये जो बंदा है इसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर डिलीट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अगर डिलीट यहाँ से नहीं करते तो कीबोर्ड से आपने डिलीट वाला बटन जो है प्रेस करना है। मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी तस्वीर जो है पिक्चर को ऐड कर लेता हूँ। ग्राफिक्स में आने के बाद आपने अपलोड पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद अपलोड एंड इमेज, इस पर क्लिक कर देना है। जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ये वाली पिक्चर जो है ये मौजूद है। ठीक है, मैं ये वाली पिक्चर सबसे पहले इसको करता हूँ रिमूव, यहाँ से डिलीट, उसके बाद ग्राफिक और ये जो है इसको नीचे ये पड़ी है, मैं यहाँ पर ये वाली जो है क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये वाली आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। अगर आप इसको फ्लिप करना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी जो है ये फ्लिपिंग भी कर सकते हैं, मतलब रोटेट भी कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह, और ऊपर नीचे ये भी इस तरह कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पिक्चर। अब यहाँ पर टेक्स्ट जो है, मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको डबल क्लिक करना है, सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप अपना नाम जो है वो जो भी है वो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ये जो नीचे टैग लाइन है तो यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मतलब न्यू टेक रिव्यूज़ ट्यूटोरियल्स एंड मोर, मतलब मेरे चैनल के हवाले से ही सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। मैं यहाँ पर ये जो है रिव्यूज़, इसको ख़त्म कर देता हूँ और जस्ट छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक थंबनेल जो है वो रेडी हो गया। इसी तरह कैनवा पे भी यही तरीका है। यहाँ पर आपने अगर लिखना है तो चैनल आर्ट जो ही लिखेंगे, चैनल आर्ट लिखने के बाद ये देखें आपके पास कैटेगरी आ जाएगी, यूट्यूब चैनल आर्ट, ट्रैवल यूट्यूब चैनल आर्ट, म्यूज़िक चैनल आर्ट, ब्यूटी, मेकअप, मतलब एवरी कैटेगरी यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ जिस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अदरवाइज़ यूट्यूब चैनल आर्ट, इसमें सारे के सारे जो टेम्पलेट हैं वो होंगे। तो मैं मीन के यहाँ पर म्यूज़िक वाला कर लेता हूँ, म्यूज़िक यूट्यूब चैनल आर्ट, इस पर क्लिक करता हूँ। मेरे पास सारे टेम्पलेट जो हैं वो म्यूज़िक के रिलेटेड आ जाएंगे। ये देखें, ये बहुत ही आला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसके ऊपर जो ही क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग होगी थोड़ी सी, और हमारे पास ये जो डिज़ाइन है इसका, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब
इसको आपने एडिट अपने हिसाब से जिस तरह करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये जो है ये वाला, अब इसको हम एडिट कर देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये देखें आपका चैनल का जो भी यहाँ पर नेम होगा वो यहाँ पर लिख दें, टैग लाइन यहाँ पर लिख देते हैं। और उसके बाद अगर ये पिक्चर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करें, डी अटैच इमेज करें, और इमेज डी अटैच हो जाएगी। उसके बाद एलिमेंट में आ जाएं, बल्कि सॉरी अपलोड में आ जाएं, जो आपकी इमेज यहाँ पर मौजूद होगी, जिस टाइप की भी इमेज है वो यहाँ पर आप म्यूज़िक के रिलेटेड पहले बना लें, वो यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना होगा, जस्ट इसको पकड़ना होगा, इसके ऊपर ड्रैग कर देना होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपने इसकी सेटिंग वगैरह थोड़ी सी कर लेनी है। करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और सेट एज इमेज बैकग्राउंड, तो आपकी इमेज जो है यहाँ पर सेट आउट हो जाएगी। तो ये दो तरीके थे, एक snapper.com वेबसाइट और दूसरी ये जो है आपके पास canva.com। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये तरीका समझ आ गया होगा और ये तरीका आपके लिए आसान रहा होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी तरह के नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।